शाहजहाँपुर पुलिस ने फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। दरअसल फर्जी आईएएस एसपी एहसान आनंद पर रेप के दो आरोपियों को छोड़ने का दबाव बना रहा था। बताया जाता है कि एसपी एक जरूरी मीटिंग में थे, इसी दौरान फर्जी आईएएस का कॉल पहुंचा और उसने जलालाबाद थाने में बंद रेप के दो आरोपियों को छोड़ने को कहा। वहीं उसने एसपी एहसान आनंद को बताया कि वह मध्य प्रदेश का आईएएस अधिकारी है। भाई एहसान आनंद को उसकी बोलचाल से शक हुआ तो उन्होंने जलालाबाद इंस्पेक्टर को जांच के आदेश दिए। पता चला कि कॉल करने वाला फर्जी आईएएस है। शाहजहाँपुर पुलिस ने फर्जी आईएएस के साथ उसके एक मित्र को भी गिरफ्तार किया है। भाई पुलिस ने बताया कि फर्जी आईएएस किरण चंदेल बिहार का रहने वाला है और वह काफी समय से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कहां कहां इनके द्वारा ये ये कल रात माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी चल रही थी तो उस वक्त हम लोग यहाँ वीसी अटेंड कर रहे थे। मेरा जो सीयूजी नंबर है वो मेरे पीआरओ के पास था, तो जब वीसी खत्म हुई तो मेरे पीआरओ ने बताया कि इसी तरह एक कोई मध्य प्रदेश काडर के आईएएस हैं जो 85 बैच में बता रहे हैं, के सिंह नाम है इसका, और ये कोई सिफारिश इनकी जलालाबाद की है और वो कह रहे थे कि जरा इंस्पेक्टर जलालाबाद से कह दिया जाए, ये नंबर है। तो मैंने इनसे एक बार प्राइमरली बात की तो मुझे शक हुआ कि जिस ढंग से आपसे बात करते हैं उस तरह की बात की नहीं थी, तो इसकी लोकेशन हमने पता कराई। पता चला कि वो जलालाबाद में ही आनंद नगर लोकेशन आ रही थी इसकी, जबकि इन्होंने कहा कि मैं भोपाल से बोल रहा हूँ और मैं बहुत कई विभाग हैं मेरे पास, और एक यहाँ रेप का मुकदमा लिखा गया था जिसके मुलजिम जिनके यहाँ शरण लिए हुए थे उनके यहाँ पुलिस की दबिश गई थी, तो उनकी सिफारिश कर रहे थे कि उसके यहाँ पुलिस ना जाए, बता दो इंस्पेक्टर को कि वो मेरा बिल्कुल करीबी है और इस तरह की बात। तो जब ये बातें क्लियर हो गई कि ये आदमी आईएएस तो नहीं हो सकता, तो इंस्पेक्टर जलालाबाद को मैंने बताया कि लोकेशन है, इस पे जाके देखो, ये आदमी है, इसके पास ये फ़ोन नंबर है, इस तरह की बात कर रहा है, तो इस टिप ऑफ पे वो अरेस्ट हो गया। उसने जब पूछताछ हुई तो पूरी बात बताई, ये रहने वाला बेसिकली बिहार का है और यहाँ वीरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति है जो वीरेंद्र सिंह जलालाबाद का ही है, इसके यहाँ इसका आना जाना है, तो इसके यहाँ आज भी इस समय रुका हुआ था ये, और वहाँ लोगों के कहने पर ही लोग, इसका कहना है कि उनके कहने पर मैं फ़ोन करता था, लेकिन ये फितूरी आदमी है। जैसा कि अभी चीज़ें क्लियर हुई हमारे साथ बातचीत में भी, उसने कई आईएएस अधिकारियों के नाम लिए तो उनसे भी कन्फर्म कराया गया, डीएम साहब ने तुरंत बताया कि इसी बात है, डीएम साहब ने इसमें कन्फर्म भी किया, तो उन अधिकारियों का भी इस तरह से फ़ोन गायब हुए थे। तो इस तरह से एक ऐसा व्यक्ति जो फर्जी आईएएस अधिकारी बनके और कई तरह के फेवर्स की डिमांड कर रहा है, तो ऐसा आदमी अरेस्ट हुआ है। इससे और भी पूछताछ हो रही है और भी जगह जहां फ़ोन किया होगा इसने, उसके बारे में भी जानकारी।